आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ हैप्पी न्यूज़ चैनल, मैं हूं आपके साथ में है। नीमच जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में नीमच मानव सेवा समिति द्वारा संचालित डायलिसिस सेंटर को शहर के धामिका परिवार और एमएस सर्विस परिवार द्वारा 2 डायलिसिस मशीन संपूर्ण यूनिट भेंट की गई, जिसका लोकार्पण नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार की उपस्थिति में धामिका परिवार और एमएस सर्विस परिवार के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा फीता काट कर किया गया। धानुका परिवार एवं एमएस साल्वेज परिवार द्वारा की गई इस सराहनीय पहल को लेकर नीमच मानव सेवा समिति द्वारा दोनों परिवार के वरिष्ठ जनों का सम्मान पत्र देकर आभार प्रकट किया गया। अब नीमच मानव सेवा समिति द्वारा संचालित डायलिसिस सेंटर में कुल 12 मशीनें उपलब्ध है, जिसमें से 10 मशीन है अत्याधुनिक तरीके से कार्य करेंगी। वहीं शासन द्वारा दी गई 2 मशीनें खराब हालत में है। डायलिसिस सेंटर पर मशीनों के यूनिट डालने से अब मरीजों को और सुविधाएं प्राप्त होंगी। डायलिसिस के लिए उन्हें ज्यादा समय और पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। एक छोटा सा पौधा रोपा था, उम्मीद नहीं थी इतनी मशीनों की आवश्यकता भी है या पड़ जाएगी, और जन सहयोग इतना सारा मिल जाएगा। जैसे जैसे आवश्यकता पड़ी जन सहयोग अपने आप मिलता रहा, और 2 मशीनों से शुरुआत हुई संस्था, 3 मशीनें उसी समय फिर जन सहयोग से इकट्ठी हुई। गंगानगर परिवार भी रहा, विक्रम सीमेंट भी रही, हमारी समिति के सदस्यों का सहयोग भी रहा। धीरे धीरे फिर दूसरे लोगों का और मिलता रहा, जैसी आवश्यकता पड़ी उस अनुसार बढ़ते, क्योंकि जो शासन की मशीनें थी बहुत पुरानी और ख़राब हो चुकी है, उनमें मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो 2 मशीनों की और आवश्यकता पड़ने लगी। तो धानू का परिवार और एमएस सर्विस परिवार से चर्चा हुई, उन्होंने सहर्ष 2 मशीनें देने के लिए तैयार हो गए। इसी बीच एक कोटा से और मंदसौर से एक परिवार, मेरे भांजे हैं वो, उन्होंने एक मशीन दी। एक मेरे पारिवारिक मित्र सोनीपत में रहते हैं, एक मशीन उन्होंने दी। तो कुल मिला के ख्याति पूरे देश में इस सेंटर की हो चुकी है। यहाँ की सेवाएं, यहाँ के जो स्तर है वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से कम नहीं है, इसलिए मरीज दूर दूर से आने लगे चित्तौड़ से। और ये था आपका अपडेट। लगातार हर जानकारी के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ एमपी।